नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत गाजियाबाद की खबर से करते हैं। उद्योगपति परमेंद्र गांधी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 3 दिन से छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स टीम की। देशभर में 35 ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। कारोबार में घाटा दिखाकर टैक्स चोरी का पूरा मामला है। स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट रडार पर है। परमेंद्र गांधी ने खरीदे थे स्कूल और वेबसाइट। आईटी की टीम ने खंगाले हैं 12 लॉकर, 15 करोड़ कैश, ज्वेलरी भी बरामद की गई है। अभी भी 33 ठिकानों पर आईटी रेड जारी है। प्रोग्रेसिव ट्रल्स के मालिक हैं परमेंद्र गांधी और ये आईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। देश भर में 35 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार ये छापेमारी चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 लॉकर खंगाले गए, 15 करोड़ कैश और ज्वेलरी भी बरामद हुई है। देखिए बिल्कुल, आईटी लगातार रेड मार रही है और उत्तर प्रदेश के ऐसे कम से कम दर्जन भर उद्योगपति व्यापारी हैं जो टैक्स चोरी के नाम पे बड़ी रकम डकार गए हैं। इसके अलावा अपने व्यापार में घाटा दिखाते हैं। 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बाकायदा परमेंद्र गांधी का जो ठिकाने हैं अलग अलग जगहों पर बैंक लाकर खंगाले गए। और उससे भी बड़ी बात यह कि देखिए 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है और इसके साथ ही अभी भी 33 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और देखिए टूल्स किट और प्रोग्रेसिव कंपनी के जरिए पूरा कारोबार उनकी तरफ से चलाया जा रहा था। टूल्स कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग एक तरीके से कहा जाए फेक कंपनियां, 5 लोगों को डायरेक्टर बनाकर बनाया गया और उसके जरिए ट्रांजैक्शन किया गया और जो मूल कंपनी थी उसमें घाटे को दिखाया गया और ये कहा गया कि भाई हमारा घाटा हुआ और इनकम टैक्स नहीं जमा किया गया। तो बड़ी इनकम टैक्स चोरी है जिसमें 15 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, उनके लॉकर खोले गए, लॉकर को खंगाले गए हैं। अभी भी लगातार ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कई सारे जो डिस्क हैं वो बरामद हुए हैं, यानी बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की गई। स्कूल के जरिए कई तरीके से फंडिंग में जो घोटाला किया गया या इनकम टैक्स की जो चोरी की गई उस पर आईटी रेड लगातार चल रही है। इसके पहले देखिए आप, दीपाली लखनऊ में छापेमारी की गई थी, पिंटल समेत रोहित शाह कई ग्रुपों पर छापेमारी की गई थी, गोरखपुर में छापेमारी की गई। तो लगातार जो आईटी है, इनकम टैक्स टीम है, उसकी निगाह उन सभी व्यापारियों पर है, काले कारोबारियों पर है जो सरकार के टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अभी देखिए थोड़ी दिन पहले नोएडा में 15,000 करोड़ जीएसटी की जालसाजी सामने आई थी। तो लगातार ये टीम काम कर रही है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो सरकार के धन पर चूना लगा रहे हैं, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को झेलना पड़ रहा है, उनकी बदनामी होती थी। अब इनकम टैक्स विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। 35 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी जिसमें 33 ठिकानों पर अभी भी छापेमारी हो रही है। 15 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, बैंक लाकर खंगाले गए हैं, ज्वेलरी भारी मात्रा में बरामद हुई है, कैश बरामद हुआ। तो उन सब की जांच लगातार इनकम टैक्स की टीम कर रही है और 33 ठिकानों पर अभी भी बदस्तूर छापेमारी जारी है।